जा गया था सर, को जा रहा এটা তো খেচিলে লগিটা খেচিলে খেচল লম্বা লগিটা এটা কি গাছ এই রে তপ হ্যাঁ बहुत जगह क्रिटिकल जगह रहता है, ये सबसे खतरनाक सांप होता है जो इसके काटने से मैं लगभग 6 से 7 दिन मेडिकल पे रहा। ये मोनोकोल कोबरा जिसको हम लोग चंद्र नाग बोलते हैं, तो ऐसा क्रिटिकल जगह है। यहाँ फंसा हुआ है, उसको निकालते हैं तो बहुत डेंजर पोजीशन है। କଣ କଣ ହେଲା ଏଠି ଆସ ଆସ କଣ ହେଲା ହଁ ଏଠି ହଁ କଣ ହେଲା ଇସକା ଯୋଉ ବି ଆକ୍ସନ୍ ହୋତା କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା କେ ସାଥ ମେ ଇସକା ଆକ୍ସନ୍ ମିଲତା ହେ। ये सांप इतना है, जब मेरे को बाइट किया तो थोड़ा सा बॉडी इतना वीक है, काम करने में थोड़ा सा मतलब वीकनेस लगता है थोड़ा सा। जैसा गल्ला तोड़ता है किंग कोबरा भी ऐसा गल्ला तोड़ के नीचे डाउन होता है। ये अभी देखिए किंग कोबरा जैसा ऐसा किंग कोबरे का रकम उसका पूरा लुक है, पेड़ों के चलना।
एक मिनट रुको तुम। तो ये सांप कभी कभी जहर भी थूक देता है, उसको स्पिटिंग कोबरा बोलते हैं। पर ये ये काटने से 21 से 22 एंटीवेनम लगता है इस पर, और इसका काटने का जो रिएक्शन होता है बॉडी पे, आपको 20 मिनट तक बॉडी कोई रिएक्शन नहीं करेगा। 20 मिनट के बाद में जो रिएक्शन होगा, पहले बहुत सारा पसीना निकलेगा, पसीना निकलने के बाद में आपका सेंस जाना लगेगा, मतलब पूरा बॉडी पैरालिस हो जाता है। फिर कुछ समय के बाद में आपका पूरा बॉडी काम करता है, 3 झटका ऐसा मारता है, 3 बार आपका पूरा मतलब बॉडी पूरा पैरालिस हो जाएगा। जहाँ के हाथ हुआ पे रुका रहेगा, जहाँ का पैर हुआ रुका रहेगा, फिर आप ठीक होंगे। 3 बार ऐसा हुआ था। फिर उसके बाद में जो हमारा जो मेडिकल में रेफर कर दिए, कटक में हुआ, इलाज हुआ, मेरे को भी ऑक्सीजन भी लगा। तो आप ऐसा काम करते हो भाई, खतरा काम थोड़ा से बच के कीजिए, क्योंकि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, लेकिन बच के काम कीजिए। कोई ऐसा दिखावट के लिए या अपना नाम कमाने के चक्कर में, बहुत सारे नया यंग लड़का निकले हैं कि फेसबुक में शोबाजी करते हैं, किस मारते हैं, तो ये गलत होता है, ऐसा मत करो आप। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको भर्ती कर देता हूँ। तो कपड़ा दे ले भाई, आजा आजा। देखो इसका जहर लेकिन स्प्रे करने में बहुत बड़ा माहिर है। अंदर इंसान को अगर एक बार डस लिया तो समय पर अगर मेडिकल पहुंच गया तो बच गया, यानी तो ऊपर। तो अंधविश्वास से दूर रहिए, फुकझाड़ से दूर रहिए, साइंस दुनिया है, सीधा हॉस्पिटल जाइए आप। तो मैं रख रहा हूँ, जय हिंद जय भारत।